है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज SSC CHSL 2019 इम्पोर्टेंट जीके SSC CHSL टायर फर्स्ट का वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे SSC CHSL टायर फर्स्ट के एग्जाम में जीके संबंधित पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भीमबेटका पाषाण आश्रय किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस सरकार ने सब्सिडीकृत पावर स्कीम संबल लॉन्च की? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सब्सिडीकृत पावर स्कीम संबल को लॉन्च किया है। एक ऐसी दवा जिसे डॉक्टर मरीजों को सोने के लिए देते हैं, बारबिट्यूरेट दवा। बारबिट्यूरेट एक ऐसी दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को सोने के लिए देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का। आर्टोकार्पस इंटीग्रा कटहल का एक वैज्ञानिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है? यकृत। यकृत वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अटल जी ने कहा के लेखक कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। पुस्तक अटल जी ने कहा के लेखक ब्रजेंद्र सिंह, यानी कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ALU कंप्यूटर के किस हिस्से का भाग है? प्रोसेसर का। ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर हिस्से का एक भाग है। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चंडीगढ़ शहर की शासकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। चंडीगढ़ शहर की जो शासकीय भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी, पंजाब और हरियाणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। अजय भूषण पांडे को भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। BSE सेंसेक्स का गठन कितनी कंपनियों को मिलाकर हुआ? 30 कंपनियों को मिलाकर। BSE सेंसेक्स का गठन 30 कंपनियों को मिलाकर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2018 के रूप में किसे चुना गया है? कैटरीना ग्रे को। कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स 2018 के रूप में चुना गया है। और इसके अलावा 2018 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था वो जीता था वेनेसा पोंस डी लियोन ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर के बीच से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कौन सा ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है? निपुण ई पोर्टल को। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निपुण ई पोर्टल लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है। बांग्लादेश स्वतंत्रता के पहले किसका एक हिस्सा था? पाकिस्तान का। बांग्लादेश स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1508 में। हुमायूं का जन्म सन 1508 में हुआ था। हुमायूं के जो पिता थे वो बाबर थे और हुमायूं का जो बेटा था वो अकबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो का आयोजन हुआ था। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? चक हल ने। चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में एपिक्स टेक्नोलॉजी शुरू की? सिंगापुर में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में एपिक्स टेक्नोलॉजी शुरू की है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 सदस्य। लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 552 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरला राज्य में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला राज्य में स्थित है। तो ये था हमारा आज का एसएससी सीएचएसएल 2019 का इम्पोर्टेंट जीके का एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट का वीडियो नंबर 4। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले एसएससी सीएचएसएल 2019 इम्पोर्टेंट जीके एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट के वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।